हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सी जे 34 न्यूज़ पर। और आइए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जॉब को लेकर के। जी हाँ, जॉब नोटिफिकेशन को लेकर के एक नई अपडेट आई है। जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला गरियाबंद से नई रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जिसमें जो कि हम आपको नोटिफिकेशन के जरिए बताने जा रहे हैं। डिपार्टमेंट एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन एग्जाम फीस, इंपॉर्टेंट डेट शेड्यूल, सैलरी पेमेंट, इसी के साथ हाउ टू फिल अप फॉर्म आदि के बारे में हम आपको इस वीडियो में डिस्कशन के थ्रू बताने जा रहे हैं। तो चलिए आते हैं इस खबर की पूरी डिटेल। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको इसमें विभाग का नाम बता देते हैं। तो इसमें विभाग का नाम है दोस्तों जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला गरियाबंद रखा गया। और इसमें चलिए दोस्तों जानते हैं तो भर्ती हेतु रिक्त पद का विवरण। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें कालखंड दिया गया, तो उसमें है पहला पद नाम, उसके बाद दिया कि प्रतिमा महानदे, उसके बाद स्वीकृत पद दिया गया, उसके बाद इसमें दिया गया है कि जनरल ओबीसी एससी एसटी कास्ट वर्गवार दिया गया है, उसके बाद कुल योग दिया गया। तो सबसे पहले इसमें है, इसमें कुल दो पद है दोस्तों, जो कि कुल इसमें 6 पद रखा गया जो दो पदों के नाम से डिवाइडेड है। तो सबसे पहला है हेल्थ आया अटेंडेंट के लिए प्रति माह मानदेय है, पेमेंट है इसमें 6,000। और स्वीकृत पद इसमें कुल टोटल 4 पद है, जो कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित, मतलब एससी एसटी ओबीसी चारों पद के लिए एक एक पद रखा गया है दोस्तों। और दूसरा है फिजियोथेरापिस्ट है, स्पीच थेरापिस्ट है, तो इसमें मानदेय प्रति माह मानदेय है 20,000, इसमें पेमेंट 20,000 रखा गया है दोस्तों, जो कि एससी और जनरल इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल टोटल 2 पद है जो कि एससी और जनरल आवेदन कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों हेल्प आया अटेंडेंट के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो हेल्प आया अटेंडेंट हेतु न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और साथ ही स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। और थेरापिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एलिजिबिलिटी, तो फिजियोथेरापिस्ट के लिए शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बैचलर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट डिग्री कोर्स होना अनिवार्य है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ फिजियोथेरापिस्ट परिषद में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है दोस्तों। तो स्पीच थेरापिस्ट के लिए, स्पीच थेरापिस्ट के लिए शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बीए या बीएससी या बीए एलपीडी डिग्री कोर्स होना अनिवार्य है। और साथ ही भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है दोस्तों। और इसके बाद इसमें कुल मानदेय जैसे कि हमने आपको बताया था, तो हेल्प आया अटेंडेंट के लिए इसमें 6,000 है, और फिजियोथेरापिस्ट स्पीच थेरापिस्ट के लिए 20,000 रुपये पेमेंट रखा गया है। और इसमें कुछ नियम और शर्तें भी दी गई है दोस्तों, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और हाँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी वीडियो के जरिए आपको इस खबर की सारी जानकारी बताई जाएगी। और साथ ही आप इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इसमें कुछ कार्य। तो इसमें हेल्प आया अटेंडेंट का कार्य दायित्व जान लेते हैं। तो इसमें दिया गया कि विद्यालय में अध्ययन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बीआरपी के सहयोग में संसाधन निश्चित केंद्रों तक पहुंचाने बनाने में सहायक करना व अभिभावकों को प्रेरित करना होगा। और विकासखंड संसाधन स्रोत केंद्रों की साफ सफाई तथा सहायक सामग्री का रख रखाव व उपयोग संपूर्ण दायित्व वहन करना होगा। और इसी के साथ और अन्य कार्य भी दिए गए हैं दोस्तों। और इसमें फिजियोथेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट के लिए कार्य है जो कि विकासखंड में चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची एवं केस स्टडी विकासखंड संसाधन स्रोत केंद्रों से सुनियोजित तरीके से संधारित करना होगा। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थेरेपी करना होगा। और इसमें दिया गया है कि राज्य जिला विकासखंड स्तर पर सौंपे गए अन्य कार्यों का भी निर्वहन करना होगा। इसमें चयन प्रक्रिया दिया है दोस्तों, तो चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसमें निर्धारित न्यूनतम योग्यता का 60% के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। और साथ ही आवेदित पद पर कार्य अनुभव का 20 अंक होना अनिवार्य है, इसी के तहत इसको चयन किया जाएगा। और स्थानीय बोली का 20 अंक मतलब स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है, जो कि इसमें चयन प्रक्रिया में दिया गया। और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया, तो आवेदन जमा करने की प्रक्रिया इस तरह है दोस्तों कि आवेदन निर्धारित प्रारूप में A4 साइज पेपर में किया जाएगा, तथा पासपोर्ट साइज कलर फोटो चस्पा कर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा। समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदारी नहीं रहेगा। जिला द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसमें दिया गया है कि इम्पॉर्टेंट डेट शेड्यूल, इसमें इम्पॉर्टेंट डेट शेड्यूल है दोस्तों कि यह 10 मार्च 2021 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 4 अप्रैल 2021 तक चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह 10 मार्च 2021 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 4 अप्रैल 2021 तक चलने वाला है।
तो हाउ टू फिल अप फॉर्म, तो फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस फॉर्म को एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको भरना स्टार्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले दिया है कि आवेदित पद का नाम, तो आवेदित पद का नाम कि आप किस पद में आवेदन करना चाहते हैं उस पद का नाम लिखना है। उसके बाद दिया है कि आवेदक का नाम, तो आपका नाम अपना नाम लिखना है, अंग्रेजी के कैपिटल में भी लिखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना। उसके बाद तीसरा में दिया है कि पति पिता का नाम, उसके बाद लिंग दिया है महिला है या पुरुष। उसके बाद दिया है कि जन्म तिथि अंकों और शब्दों डेट ऑफ बर्थ लिखना। उसके बाद दिया है कि दिनांक 31/12/2020 को आपकी वर्ष आपकी आयु कितना है उसको लिखना। उसके बाद दिया है जाति कास्ट कि आप किस कास्ट से एससी एसटी ओबीसी या फिर जनरल उसको लिखना है। उसके बाद दिए गए आठवां की रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक जो कि ऊपर में दिया गया। उसके बाद पत्र व्यवहार का पूरा पता कि तो आप अपना यहाँ पूरा पता लिखना। उसके बाद स्थायी निवास का पूरा पता, आप निश्चित जगह में जहाँ रहते उसका निवास पत्र लिखना है। उसके बाद दिया कि मोबाइल नंबर, तो आप अपना इसमें मोबाइल नंबर लिखना। उसके बाद बारहवां में छत्तीसगढ़ फिजियोथेरापिस्ट परिषद का नाम पंजीयन क्रमांक व दिनांक जो कि ऊपर में दिया गया है दोस्तों। उसके बाद 13 में दिया है कि स्पीच थेरापिस्ट भारतीय पुनर्वास परिषद RCI का नाम पंजीयन क्रमांक व दिनांक। उसके बाद 14 में दिया है कि शैक्षणिक योग्यता, फिर इसमें कालखंड दिया गया है दोस्तों। तो कालखंड को हम बता देते तो परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड संस्था का नाम, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत, श्रेणी। तो हम आपको इसको पहले भी बता चुके हैं दोस्तों और भी बता देते हैं। तो इसमें परीक्षा का नाम, उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष, तो आपने उस परीक्षा को किस वर्ष में पास किया। उसके बाद बोर्ड संस्था का नाम कि आपने उस परीक्षा को किस संस्था से किस बोर्ड संस्था से पास किया उसको लिखना। प्राप्तांक पूर्णांक कि आपने उस अंक में कितना अंक प्राप्त किया है। उसके बाद प्रतिशत लिखना है कि आपने उस पूर्णांक में कितना अंक प्राप्त किया है। उसके बाद कितना प्रतिशत निकला है। उसके बाद की लिखना है श्रेणी, तो आप किस श्रेणी से पास हुए हो, प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तृतीय श्रेणी से। उसके बाद कार्य अनुभव यदि कोई हो तो उल्लेख करें, मतलब कि यहाँ पूछा कहा गया है कि अगर आपने इससे पहले कोई भी संस्था या कोई भी विभाग में अगर काम किया है तो उसको उसका कार्य अनुभव लिखना है। तो कार्यालय का नाम लिख लेना है कि आपने किस संस्था किस कार्यालय में काम किया है। उसके बाद पद नाम दिया कि आपने उस कार्यालय में उस संस्था में किस पद से किस पद के नाम से काम किया उसको। उसके बाद कार्य अवधि, उसके बाद रिमार्क। उसके बाद 16 में दिया है कि अन्य योग्यता का विवरण। उसके बाद 17 में दिया है कि संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची। तो आपने इस फॉर्म में इस एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं उसको लिखना है दोस्तों। उसके बाद दिया है राइट साइड में दिया है कि आवेदक का हस्ताक्षर, अपना नाम लिखना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। उसके बाद घोषणा पत्र दिया है कि आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यह इसमें पूछा गया है कि आपने इसमें जो भी जानकारी जो भी डिटेल भरा है वह सही है, अगर गलत है तो आप इसमें कोई भी त्रुटि होती है तो आप इसके जिम्मेदार खुद है। उसके बाद लास्ट में दिया है कि लेफ्ट साइड दिया है डेट दिनांक, उसके बाद स्थान जगह का नाम लिखना है। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर मतलब अपना हस्ताक्षर करना, अपना सेल्फ अटेस्टेड करना। उसके बाद पता लिखा, उसके बाद सबसे ऊपर आ जाते हैं दोस्तों फॉर्म में। उसके बाद लिखा है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो अभी प्रमाणित करना, तो आप अपना यहाँ न्यू करेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो करना अटैच करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ अपना सेल्फ अटेस्टेड करना है दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.gazian.gov.in पर विजिट कर सकते हैं जो कि वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। आई होप कि बताई गई जानकारी पूरी समझ में आ गई होगी। यदि कहीं भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव या नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस टाइप के वीडियो आपके मोबाइल पर रोजाना अपडेट होती रहे। और हाँ, अगर आप हमारे CG36 न्यूज़ चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।